नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर वर्ल्ड से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करतार कंपनी का 5136 मॉडल, जिसकी संपूर्ण जानकारी क्या क्या इस ट्रैक्टर में आप सभी किसान भाइयों को देखने को मिलेगा 50 HP श्रेणी में, यानी कि 50 HP की श्रेणी में, और क्यों ट्रैक्टर करतार कंपनी का किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसके पहले किसान भाई, अगर अभी तक भी आप हमारे एग्रीकल्चर वर्ल्ड परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं करतार के 5136 मॉडल की, जो कि आप सभी किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है 50 HP श्रेणी में, और इसमें क्या क्या फीचर्स आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैक टायर की। तो इसमें आप सभी किसान भाइयों को 50 HP श्रेणी में 14/28 के बड़े टायर प्रोवाइड होते हैं। 14/28 के बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इसमें 16/28 के टायर लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका काफ़ी लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें बीच में आपको गियर पाइप्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी शानदार है। एक साइड की अगर हम बात करें तो इधर आपको हीट गार्ड का ऑप्शन भी प्रोवाइड होता है। उसके बाद में अगर इंजन की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें आप सभी किसान भाइयों को किर्लोस्कर कंपनी का इंजन मिलता है, जो कि 2200 इंजन रेटेड RPM पर काम करता है, जिसमें आप सभी किसान भाइयों को 3120 CC का इंजन आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके हम इधर की साइड की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो इसमें 7/50/16 के फ्रंट टायर आपको प्रोवाइड होते हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं हम इसके इंजन की। तो किसान भाइयों, इंजन की अगर हम बात करें तो आप इंजन के ऊपर के मॉडल्स को उठाने के लिए यहाँ पे आपको 2 पंप्स प्रोवाइड होते हैं। स्टेयरिंग का सिस्टम्स अगर हम बात करें तो इसमें आपको कूलेंट कोल्ड ऑप्शन प्रोवाइड होता है। ड्राई टाइप फिल्टर प्राप्त होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ड्राई टाइप फिल्टर के साथ में एक कमाल का फीचर है, चौक सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे ही अगर फिल्टर चौक होता है तो ये सेंसर आपको डायरेक्टली बताएगा कि आपका फिल्टर चौक है। उसके बाद में अगर हम इसके इंजन की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें आप सभी किसान भाइयों को 3 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड होता है। बोस्को का इनलाइन पंप के साथ में आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होता है। उसके बाद फ्रंट में अगर बात करें तो किसान भाइयों, 80 से 90 kg का तो आपको हैवी वेटेड बम्पर आपको यहाँ पे मिलता है फ्रंट में। उसी के साथ में फ्रंट पर बैटरी आपको प्रोवाइड हो जाती है, जिससे कि ट्रैक्टर का आगे का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ट्रैक्टर की उठने और जैसी समस्याओं का सामना आप सभी किसान भाइयों को नहीं करना पड़ता है, यानी कि फ्रंट पर आपको बैटरी भी मिलती है। उसके बाद में अगर हम इसके बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो आप लोग देख सकते हैं इसका बाकी यहाँ पर आपके सामने है। लुकिंग्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो अल्टरनेटर भी है वो आपके सामने है। साइलेंसर पे एक कमाल के फीचर्स इन्होंने दिए हैं। हीट गार्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। अगर कोई गर्म साइलेंसर पे हाथ रखता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका हाथ ना जलता हो, हीट गार्ड इन्होंने दिया हुआ है। स्टीयरिंग पंप का ऑयल आपको अंदर की ओर मिलता है करतार के इस मॉडल में 5136 में। उसी के साथ में किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं लुकिंग इस ट्रैक्टर की आगे से कुछ इस तरीके की है। उसी के साथ में अगर दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, इसमें सेकेंड साइड में भी आप सभी किसान भाइयों को हीट गार्ड प्रोवाइड होता है। पुश टाइप क्लच और ब्रेक आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होते हैं। रेस पेडल भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ रेस पेडल होता है। प्लेटफॉर्म को इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म के नीचे से कोई भी अगर आपका सामान यहाँ से गिरता है तो नीचे ना गिरे, इसलिए इन्होंने पूरा फिट प्लेटफॉर्म दिया है। दोनों साइड में आप स्पीकर्स भी रख सकते हैं, इतना एक एडिशनली गैप दिया है। 2 लीवर्स हैं, पोजिशन कंट्रोल और आप लोग देख सकते हैं ड्राफ्ट कंट्रोल, दोनों ही लीवर्स इस तरीके के इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आप सभी किसान भाइयों को इसमें 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। बात करें हम ऑयल इमर्स्ड ब्रेक आप सभी किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में मिलते हैं। ड्यूअल क्लच का ऑप्शन आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होता है। किसान भाइयों, जैसे ही आप इसको लॉक करते हैं तो इसमें लॉक करने के लिए फ्रंट का जो ढक्कन है इसमें एक चाबी सिस्टम तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। चाबी से लॉक होने के साथ में इसको आप यहाँ से भी लॉक करना पड़ता है, यानी कि यहाँ से आपको 2 ऑप्शन इसमें लॉक करने के आपको प्रोवाइड होते हैं। 2 तरीके से ये ट्रैक्टर लॉक होता है, जिससे कि इसको कोई भी आसानी से ना खोल पाए, और ये आपका हिटगार्ड जो सिस्टम से हिले डुले ना। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको दोनों साइड से पैक कर देता हूँ। लुकिंग्स आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में, इसमें काफ़ी 0 mm जाली आपको प्रोवाइड होती है। 2 फ्रंट स्टाइलिश लाइट प्रोवाइड होती है। बीच में करतार का लोगो मिलता है। रेजिरेटर वगैरह में हवा जाने के लिए गर्मी ना खाए ट्रैक्टर को, इसलिए इन्होंने ऊपर बोनट के ऊपर भी यहाँ पर 2 गैप सिस्टम्स दिए हैं, यहाँ से भी हवा आपको ट्रैक्टर के इंजन को मिलती रहेगी। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हम इसके बैक साइड की। तो बैक साइड में आप सभी को क्या क्या प्रोवाइड होता है, आप इसका शो देख सकते हैं। जहाँ पर आप ट्रॉली को अटैच करते हैं तो कुछ इस तरीके का आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होता है।
अगर हम इसके टॉप लिंक सिस्टम्स की भी बात करें और इसकी पट्टी वगैरह की भी बात करें, तो इसमें जो आपको जो पैडल हैं जो अटैचमेंट के, इनको अटैच करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कमाल का फीचर्स दिया। चेन सिस्टम ना देते हुए इन्होंने कि अदर ट्रैक्टरों की तरह ही ये डिज़ाइन सिस्टम दिया, जिससे कि आप आपके हिसाब से इन पैडल को एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी लंबाई आप चाहें उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के बाद में 3 लिंकेज HDDC हाइड्रोलिक आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होती है। आप लोग देख सकते हैं 3 लिंकेज पॉइंट्स की हाइड्रोलिक आप सभी को प्रोवाइड होती है। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्स आप सभी को प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि आप लेवलर ट्रॉली वगैरह को बहुत ही आसानी से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सिंगल एक्टिंग और ड्यूअल एक्टिंग आप इस वॉल के थ्रू आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ट्रॉली को उठाना गिराना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पीछे की बात करते हैं किसान भाइयों, तो पीछे इसमें आपको इंडिकेटर्स और बैक में एक लाइट प्रोवाइड होती है, यानी कि आप रात्रि के समय भी अगर इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं तो आपको पीछे की ओर इसमें एक लाइट प्रोवाइड होती है। अगर HP कैटेगरी में अगर हम बात करें PTU हॉर्सपावर की, तो 44 हॉर्सपावर की PTU आप सभी किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में मिलती है। और अगर किलोवाट की अगर हम बात करें तो 32.6 किलोवाट की PTU पावर आप सभी किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड होती है। उसके बाद में किसान भाइयों बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो कमाल का प्लेटफॉर्म इन्होंने डिज़ाइन किया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, शानदार है। इसके जो पेडल्स है वो काफ़ी शानदार है, आप लोग दबाने में पुश टाइप पेडल भी सस्पेंडेड क्लच ब्रेक के जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम गियर टाइप सिस्टम्स की बात करें तो आप लोगों के सामने इस ट्रैक्टर में आपको कौन कौन से गियर ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितने फॉरवर्ड और कितने रिवर्स है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर आप सभी किसान भाई को प्रोवाइड होता है। इन्होंने कमाल का ऑप्शंस यहाँ पे दिया, आप किसी भी तरीके के इन प्लग्स वगैरह को आप लगाना चाहें तो यहाँ से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इनका जो चाबी सिस्टम है, यहाँ पर आप स्विच को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं तो वो यहाँ पर आपको चाबी लगाने का ऑप्शन मिलता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने चाबी को घुमाया है तो करतार की जो स्टेयरिंग है वो बिल्कुल कंबाइन जैसी स्टेयरिंग, इन्होंने बहुत ही शानदार स्टेयरिंग लुक लाइट दिया है। मीटर्स की अगर हम बात करें तो जो आपने प्रीत का 6049 मॉडल का मीटर देखा था वैसे ही मीटर्स आपको मिलता है, जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर डीजल का ऑप्शंस मिलता है, यहाँ का ऑयल प्रेशर, यहाँ रेस मीटर, लाइट्स का, यहाँ पर वाटर्स का मतलब लो हाई का आपका मीटर होता है, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का होता है। बात करते हैं लाइट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आपको ऑन करने के लिए सोनालिका के जो RX मॉडल या सोनालिका सीरीज में जो लाइट्स ऑप्शंस मिलते हैं वैसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह के भी ऑप्शंस कुछ इस तरीके के आपको प्रोवाइड होते हैं। अब उस टाइप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच ऑफ, इंजन को ऑफ करने का सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी PTU पावर की, तो PTU पावर में आप लोग देख सकते हैं इसमें किसान भाइयों आपको 540 RPM की PTU पावर प्राप्त होती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं PTU क्लच है, यहाँ से ऑन और यहाँ से ऑफ का PTU क्लच होता है। ऑन ऑफ यहाँ से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी SFC, जो कि आप सभी कहीं से सारे किसान भाइयों को इसकी SFC भी चाहिए रहती है, तो इसकी 334.9 kWh की SFC इस ट्रैक्टर की है। तो किसान भाइयों ये था करतार का 5136 मॉडल, जिसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगती है हमें लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही किसान भाई एग्रीकल्चर वर्ल्ड्स परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूं।